गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। अभी उठा रहा हूं, तारीख दिन मंगलवार, केसरपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केसरपुर प्याज मंडी में। लाइव शो में देखेंगे आज का कुछ बाजार है, किस तरह का माहौल है और क्या रेट खुला है, कल के मुकाबले रेटों में तेजी या मंदी देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे जी इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 31 पर। सर के पास जो प्याज की क्वालिटी है जी, कुछ इस तरह का ही है। तो अभी आगे में गोल्टी गोल्टा प्याज है और अंदर चलते हैं, अंदर जो लोट खुला हुआ है वो किस तरह का है देखो जी। इस वाले लोट में कुछ इस तरह के प्याज है, इधर भी है ओपन। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्ते सर, नमस्ते सर जी। आज का माहौल कैसा है केसरपुर का, आज यहाँ पे कितनी गाड़ी लगी है और पहले से ग्राहकी में क्या सुधार है सर जी, और रेटों में क्या सुधार है? सर आज रेवल्स की बात करें तो कम से कम मंडी के अंदर हमें 20 गाड़ियाँ हैं। अच्छा, इसमें से 5 गाड़ी का बैलेंस है, 15 गाड़ी सीधी आई हुई है। अच्छा जी, और 2-3 गाड़ी का बैलेंस भी नीचे उतरा हुआ है, मतलब 20-22 गाड़ी का करीब करीब है। अच्छा, तो सर जी अगर बात करें ग्राहकी का, तो पहले से सेल पॉइंट कितना मतलब बढ़ा है? सर भले की तो बात करें, सेल की तो पावर, सेल बहुत स्लो हो गई है। अच्छा, अभी 3 दिन पहले बहुत अच्छी मार्केट थी, ग्राहक भी ठीक था जी, परंतु तो 2 दिन से फिर आमदनियां बढ़ गई हैं जी, और बाजार में मेरे ख्याल से 3-3 रुपए 4-4 रुपए डाउन हो चुका है। अच्छा, 3 रुपए तो बिल्कुल धर्म का में डाउन दिखाई दे रहा है बिल्कुल। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ। ये क्या बात हुई सर जी, अभी 1-2 दिन मतलब कल ही रेट बढ़ा है, पीछे आज आजपुर तेज हुआ है, लेकिन इधर जो है केसरपुर मतलब डाउन है और पीछे प्रोडक्शन मंडिया भी तेज होकर के फिर एकदम से डाउन हुआ। सर कारण उसका तो ये था कि अभी 3-4 दिन पहले फिर एक ग्रुप में लेटर आया था कि एक्सपोर्ट की जो खबर आई थी। अच्छा जी, एक्सपोर्ट की खबर आई सर, वो पक्की तरह से पूरी तरह कंफर्म भी नहीं हो पाती थी, एकदम उसमें 4-4, 5-5 रुपए का जो बेफालतू की तेजी। अच्छा, जो हमें लगी जिसका खामियाजा हम आज दिखाई दे रहा की भुगत रहे हैं, जो एकदम 3-4 रुपए डाउन हो गया। अच्छा, तो एकदम एक्सपोर्ट की खबर पहले भी कितनी दूध का जला छाछ भूख मार के पीता है। हाँ, एक्सपोर्ट की खबर आती है सिर्फ एकदम न्यूज निकल के उसके 5-6 रुपए की तेजी एकदम मार देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद में हमने 3-4 बार ये देख लिया है बिल्कुल, एकदम खबर आती है 3-4-5 रुपए टाइट कर देते हैं फिर एकदम बैक मार देता है। अच्छा, वो असर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है हमें बिल्कुल एकदम। तो सर जी ये क्या जी, मतलब एक्सपोर्ट खुला नहीं है जी? सर खुला है, कुछ माल जा रहे कर रहे हैं, पर इतनी स्पीड से नहीं जिस स्पीड इन्होंने तेजियां बना दी है बिल्कुल एकदम। अच्छा जी, कई जने बोल रहे हैं कि जो अभी खुला नहीं है। हाँ, मतलब जैसे अफवाहें चल रही है, कुछ कह रहे खुला है, कुछ कह रहे नहीं खुला, कुछ व्हाइट प्याज का पक्की तरह से कन्फर्म नहीं होने देती है, पिछले 2-3 बार से यही हो रहा है। अच्छा जी, हाँ जी। तो अभी सियोरिटी है या नहीं है सर? सर अभी इस चीज का कंफर्म तो नहीं लग पा रहा है, जैसा हम पार्टी से पूछे माल तो थोड़ा बहुत ले रहे हैं, पर अभी कंफर्म नहीं, पक्की तरह से नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी एकदम। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। जो जा रहा है कि नहीं जो जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है तो सर। अच्छा, क्योंकि सुनने में आया था कि जो अब जो है व्यापारी भी माल भेज सकते हैं। नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं, व्यापारी का ऐसा कुछ भी अभी खबर न्यूज हमारे तो मतलब किसी भी अपने व्यापारी के पास हमें ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ जी, मतलब जो भी था वो अफवाह ही था। अब अभी अभी अफवाह का ही सर असर दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल एकदम। अच्छा, हाँ जी, मतलब अभी कंफर्म भी नहीं है कि जो जा रहा है या जा रहा है तो कितना मात्रा में जा रहा है। सुनने में आया था सर एक्सपोर्टर ने थोड़ा बहुत माल उठाया है, पर वो भी पक्की तरह से नहीं कंफर्म हो पा रहा है बिल्कुल एकदम। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर जी अगर बात करें आज का, अगर केशवपुर मंडी का किस किस राज्य से प्याज आया और कल के मुकाबले आज का बाजार कैसा है सर? देखिए जी, कल के बाजार के आज के मुकाबले में, कल परसों के मुकाबले में, कल 2 रुपए गिरे थे, 2 रुपए डाउन था, और आज के मुकाबले क्या है 2 से 3 रुपए बिल्कुल एकदम दर पर डाउन दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, बात की जाए किस किस राज्यों के माल मंडी में, राजस्थान इस टाइम दबा के आ रहा है हमारी मंडी, और MP भी अब चालू हो चुका है, पूना नासिक है, पर पूना नासिक के मालों में अब शिकायत आ रही है पत्ती कमजोर होगी, पत्ती कमजोर, पत्ती कमजोर होगी। हाँ जी, अच्छा जी, हाँ जी। तो सर जी ये जो अपने पास जो गाड़ी लगी है जी, तो ये कहाँ का लगा है गाड़ी है? ये सर एक मेरे पे नासिक की गाड़ी लगी है। अच्छा, और जी, दो मेरे पे पूना की गाड़ी लगी भी है। अच्छा, ये इधर हाँ, दो पूना है जी। हाँ जी, हाँ, ये दोनों पूना है जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो सर जी ये जो बारदाने ओपन हो रखे हैं जी, इसका ये, क्या बाजार? पूना बेल्ट के वाले जूट वाला भी जो बारदाना है ये भी पूना का ही है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या बाजार चला इन मालों का सर? ये माल बिके 21 से 22 रुपए, 1,000 लाट 23 रुपए नाम है खाली वो। अच्छा जी, जो पूना का है 1,000 लाट जो है 23, वो नाम के लिए बिका है, वो भी नाम के लिए, बाकी 21 से 22 रुपए थोड़ा ज्यादा बिके मालों। अच्छा, ज्यादातर माल जो है 21 से लेकर 22। अच्छा जी, और सर जी बात करें MP के प्याज का, तो यहाँ पे क्या बाजार? MP का प्याज भी बिका है अपना 20 से 21 रुपए का, राजस्थान का बिका है 15 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का माल बिके, राजस्थान का जो बढ़िया क्वालिटी के माल है। अच्छा, हाँ जी।
अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो सर जी ये जो पूरा बेल्ट है जी, पूना बेल्ट से गोल्टी गोल्टा भी आ रहा है क्या? हाँ सर, गोल्टी गोल्टा भी आ रहा है, पर गोली गोल्टे में क्या है जी, उसे राजस्थान पीट रहा है। अच्छा, अब गोली गोल्टे में इतनी मजे वाली बात नहीं दिखाई दे रही पूना के बेल्ट, क्योंकि पत्ती बहुत कमजोर हो चुकी है जी, और उनका पड़ता वो कितने 15-16 रुपए का, तो वो इसलिए राजस्थान प्याज पकड़ते हैं। अच्छा, इसलिए भी गोली गोल्टा में भी कोई मजे वाली बात, मतलब इस रेट में राजस्थान मिल जाता है? मिल जाता है, उससे राजस्थान थोड़ा बढ़िया रहता है पूना के गोली गोल्टा से। अच्छा, तो सर जी क्या भाव बताया जी राजस्थान का? राजस्थान का 15 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के माल बिकते हैं हमारी मंडी, 15 से लेकर के 20 रुपए, 20 वाले माल वो बिकते हैं जो पूना बेल्ट को टक्कर देते हैं, छिलका पत्ती मजबूत बढ़िया फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, हाँ जी, ज्यादा माल 15 से 18 ज्यादा बिकते हैं। अच्छा, हाँ जी, 15 से लेकर के 18 से लेकर 18 ज्यादा। अच्छा, तो अभी अगर बात करें सर जी, जो राजस्थान का प्याज है ये अपने कितना दिन चलता है जी? ये सर अभी 1.5 महीने तो बिल्कुल दबा के चलेगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, 1.5 महीने पूरा दबा के चलेगा, फिर उसके बाद में स्टॉक के माल निकलने चालू हो जाएंगे। अच्छा, मतलब अभी राजस्थान का 1.5 महीना 1.5 महीना पूरा पक्का सीजन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। और फिलहाल सर जी ये जो मतलब जो जो हलचल चल रहा है जी रेटों को लेकर के, ग्राहकी में इसका क्या असर पड़ रहा है सर? सर ग्राहकी क्या है, देखो 2-3 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि मार्केटों में प्याज ही खत्म हो गया था, 2 दिन से फिर मार्केटों में इतना समझ नहीं आ रहा, अप डाउन ऊपर नीचे करके। अच्छा, ग्राहक भी हम भी सब कंफ्यूज हुए पड़े हैं, बिल्कुल एकदम समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जी, 2-3 दिन की तेजी रहती है। अच्छा, तो अब सबके मन में डर बैठा है, बिल्कुल एकदम आमदनी इतनी बढ़ गई है जी, तो ग्राहक बहुत संभल के माल ले रहा है जी। इस समय तो सबसे ज्यादा मेरे को लग रहा है जी व्यापारी भाई परेशान हो रहे होंगे जी। सर इस टाइम व्यापारी भाई परेशान है, आरती परेशान है, ग्राहक ले जाने वाला इस टाइम देखा जाए जी जी, तो सब चैन जुड़ी हुई है, सबके सब परेशान है इस टाइम। और हमारे किसान भाई भी कंफ्यूजन में होंगे कि जो किस भाव में जाए माल, किस भाव में ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस टाइम पे सब किसान भाई परेशान, 3-4 दिन पहले किसान भाइयों ने माल बहुत कम कर दिया था, उनको फिर बाजार अच्छा देखा, तो आज की बात की पूना बेल्ट की माल पूरी पूना बेल्ट में कितने माल है, मंडियों में जगह भी नहीं है मालों के लिए, इतना माल आ चुका। हाँ जी, पूना में, पूना में भी हर मंडी, पूना के आसपास जितनी भी मंडियां हैं सब मंडियों में फुलती है। अच्छा जी, अगर सर जी अगर पीछे अगर प्रोडक्शन मंडियों की अगर बात किया जाए तो उधर का मतलब अराइवल क्या पहुंच रहा है और रेट किस तरह का भी है उधर? सर अराइवल्स की बात की जाए तो मंडियों की जो कैपेसिटी है 300-400 गाड़ियों की थी, अब उसमें कल नगर मंडी में 700 गाड़ियों प्याज था। अच्छा जी, अराइवल्स बहुत ज्यादा है बिल्कुल एकदम। अच्छा, हाँ जी, हाँ, किसानों ने एकदम उन्होंने दिखाई दिया कि अभी थोड़ा तेजी बना है, 20 रुपए से लेकर 24 रुपए के बाजार हुए थे, किसानों ने धड़ाक से माल निकालना चालू कर दिया। अच्छा, वो फिर दोबारा से बैक आगे मार दिया। अच्छा, तो अभी सर जी कहाँ तक लग रहा है आपको, कहाँ पे आकर के बाजार रुकेगा सर? सर मुझे लग रहा है कि प्याज यहाँ पे आकर रुकना चाहिए 20 रुपए, 800-850 रुपए पे यहाँ पे आकर रुकना चाहिए, जैसे पीछे भी देखा जा रहा, पीछे भी कोई आज की मंडी का खैर भाव आएगा भाई, कल का भी देखा जाए तो 20-21 रुपए के पड़ते में माल मतलब बिकने चाहिए, इससे नीचे भी मुझे अभी नहीं लग रहा फिलहाल तो। अच्छा जी, पूना के माल 20-21 रुपए और अपना अगर एमपी के माल है वो 18 से 20 बिकेंगे। अच्छा जी, और राजस्थान के माल 15 रुपए से लेकर 18 रुपए। अच्छा जी, हाँ ये आने वाले जो लग रहा है। अच्छा, और सर जी अभी जो एक्सपोर्ट वगैरह है कब तक खुलने का उम्मीद लग रहा है सर? सर अभी अभी कंफर्म नहीं कर पाएंगे इस चीज का, अभी चीज का कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि कब तक क्या आएगा ना, अभी सिर्फ कितने व्हाट्सएप पे पर्चे घूम रहे हैं पूरी तरह से नहीं हो रहा कि हाँ क्या है क्या नहीं इसका। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और अगर खुलेगा तो क्या इस बार जो है व्यापारी भाई जो है माल भेज सकते हैं या फिर ऐसा ही रहेगा? नहीं, अभी इसका जब खुलेगा तो देखो जी जिनके पास लाइसेंस है वही काम कर पाएंगे, है ना, बाकी जो अभी गवर्नमेंट ने कहा कि जिसके पास लाइसेंस है वही काम कर पाएगा, तो अभी पक्का नहीं कह सकते क्या होगा किसका, नहीं वो प्रोसीजर आगे कब तक चलेगा। अच्छा, मतलब वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा जो कौन माल भेजेगा कौन नहीं भेजेगा, कौन भेजेगा क्या है क्या। सबसे पहले तो सर जी ओपन का है जी, जो ये क्लियर हो जाए कि जो ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है जी जी। और सर जी अभी जो रेट है ये मतलब कब तक लग रहा है कि जो प्याज का रेट थोड़ा बढ़ सकता है? देखिए बढ़ने के तो देखिए सर अभी जो लग रहा है कि राजस्थान 1 महीने दबा के है, 1-1.5 महीने तो हमें बिल्कुल भी तेजी करने, क्योंकि एमपी भी अब निकलना चालू हो गया है जी जी, तो हमें नहीं लगता कि 1-1.5 महीने तक तो कोई भी तेजी का रुख दिखाई दे, मतलब कुछ अगर न्यूज निकल करके आया तो ही बाजार में फ्लक्चुएशन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही 1-2 रुपए अप डाउन मतलब बिल्कुल ये चलता रहना बिल्कुल एकदम। अच्छा, एक बार सर जी शॉप नंबर कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए सर। केशवपुर सब्जी मंडी, दुकान नंबर 31, 97, 18, 35, 054, बबलू। धन्यवाद जी।